जय श्री सीताराम। सूर्य देवता अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य देवता की उच्च राशि क्या है? मेष राशि। कब प्रवेश करेंगे? 13 अप्रैल को सूर्य देवता मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सूर्य देवता लगभग एक महीने तक किसी भी राशि में रहते हैं, तो 14 मई को ये मेष राशि से निकल भी जाएंगे। तो 13 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक का ये जो समय है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा? सूर्य देवता क्या आपके लिए सौगातें लेकर के आ रहे हैं? कहाँ पर सावधानी बरतने के संकेत लेकर के आ रहे हैं? इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। हमेशा की तरह मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, तो बिल्कुल तैयार रहिए और जो भी मैं समझा रहा हूँ आप नोट करते रहिए। खुद के बारे में तो देखिए, लेकिन अपनों के बारे में भी जरूर देखिए, उनकी राशि क्या है ये भी समझिए। और कहीं ऐसा हो कि भाई आपके लिए अच्छा है, उनके लिए कुछ सावधानी बरतने की बात है तो आप उन्हें बताइए। पास्ट के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जिसमें कि लोगों ने खुद के बारे में तो देखा, लेकिन अपनों के बारे में जब देखा और कहीं उन्हें सावधानी बरतने के लिए कहा, और जब उन्होंने सावधानी बरती तो उन्हें बहुत ज्यादा लाभ हुआ। तो आपको भी ये बात समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। अभी आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैं आपको सूर्य देवता के मेष राशि में प्रवेश का या सूर्य देवता के मेष राशि में गोचर का, सूर्य देवता के मेष राशि में राशि परिवर्तन का राशिफल बताता हूं, समझाता हूं। चलिए, तो सबसे पहले मेष राशि के ही बारे में बात करते हैं। देखो, मेष राशि में ही सूर्य देवता आ रहे हैं, तो मेष राशि के बारे में ही सबसे पहले शुरुआत करेंगे। मेष राशि चूंकि सूर्य देवता की उच्च राशि है, तो और सूर्य देवता प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को, फेम को, नाम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो निसंदेह जब सूर्य देवता मेष राशि में आ रहे हैं तो यदि आपकी राशि मेष है तो आपके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, आपके फेम को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं और मुख्यतः आपकी तारीफों के फूल बंधवाने आ रहे हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि नाम दो तरह से होते हैं, एक प्रसिद्धि होती है, आपको एक अच्छा काम कर रहे होते हैं और उसमें आपको वाहवाही मिलती है, फिर आपका नाम होता है, और एक बदनाम भी एक शब्द है, तो वैसे भी नाम तो हो ही जाता है। यहां पर मैं सुप्रसिद्धि की बात कर रहा हूं, है ना, यहां पर मैं आपकी तारीफों की बात कर रहा हूं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने की। प्रतिष्ठा बदनाम लोगों की नहीं होती है, उनका नाम हो सकता है बदनाम लोगों का लेकिन उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती है, उनसे डर हो सकता है लेकिन उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती है। आपकी प्रतिष्ठा होगी, आपकी तारीफें होंगी, आपका नाम होगा, ये बहुत अच्छी बात है। और यदि मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी तारीफ होगी तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप सफल होंगे। जैसे नौकरी करते हैं तो नौकरी में उन्नति हो, अप्रेजल हो, इंक्रीमेंट हो, या बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छे क्लाइंट्स कस्टमर्स देखने को मिले, या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उसमें आप अच्छी तरह से करें, एग्जाम आपकी बहुत अच्छी जाए, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आए, साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग पावर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा समय है, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए। मेष राशि, मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि भौतिक सुख सुविधाओं को सूर्य देवता बढ़ाएंगे। हाँ, भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। तो देखो, जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, अभी ये पीरियड भारत में चल रहा है गर्मियों का पीरियड, तो गर्मी है, समर है, तो ऐसे समय में एयर कंडीशन आपने ले लिया, एसी ले लिया, फ्रीज ले लिया, तो ये क्या कर रहा है, कूलर ले लिया, ये क्या कर रहा है, ये भौतिक सुख बढ़ा रहा है। तो ऐसी कोई भी चीजें जो भौतिक सुख बढ़ाती हैं वो खरीदारी आप कर सकते हैं, उनमें आप निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब मैं इन्वेस्ट कह रहा हूं तो निसंदेह आप कर सकते हैं। कई बार मैं कहता हूं कि खर्चा होगा या लॉस होगा, कई बार मैं ये कह देता हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। निवेश के ही योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, लाभ के ही योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, तो अच्छा समय है,
इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, पढ़ाई लिखाई में भी वृद्धि के योग है, सफलता के योग है, एग्जाम आपकी अच्छी जाए, ऐसे योग है। कुछ पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से कुछ रुक गया था, रह गया था, कई सारे पीएचडी करने वाले लोग स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि गाइड नहीं मिल रहा है, या गाइड साथ नहीं दे रहा है, या कुछ लोग कहते हैं सर हमारे फ्रेंड्स जो है वो हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जो भी है। तो ऐसा कुछ यदि हो रहा है तो वो खत्म होने वाला है। हाँ जी, अच्छा समय आ रहा है सारे दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए। सूर्य देवता मेष राशि में जाकर के पॉजिटिव ही रहेंगे। वृषभ राशि, वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ ज्यादा बनेगी, भाग दौड़ ज्यादा बनेगी, मेहनत ज्यादा बनेगी, वर्किंग लोड ज्यादा बनेगा, प्रेशर ज्यादा बनेगा, दबाव ज्यादा बनेगा, तनाव ज्यादा बनेगा, लेकिन लाभ भी होगा। हाँ जी, लाभ के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। तो किसी भी कार्य में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रकार से आप यदि आपको यदि लग रहा है कि यार संघर्ष ज्यादा हो रहा है, परेशानी ज्यादा हो रही है, भाग दौड़ ज्यादा हो रही है, मेहनत ज्यादा हो रही है, तो परेशान मत होइए, क्योंकि उसका रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छा मुझे बनता हुआ नजर आता है, उसका रिजल्ट मुझे आपके लिए पॉजिटिव दिखता है। तो अच्छा समय है, इस समय का लाभ उठाइए, प्रेशर से मत घबराइए, तनाव से मत घबराइए, भागदौड़ से मत घबराइए, ज्यादा मेहनत करने से मत घबराइए, आप तो मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव रहिए, ठीक है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, धन में वृद्धि होगी। देखो ये पीरियड ना, अप्रैल का पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसमें कि कई सारे लोग नौकरी से स्विच करते हैं, कई सारे लोग इंक्रीमेंट लेते हैं, कई सारे लोग प्रमोट हो जाते हैं, कई सारे लोग नौकरी लगते भी हैं। ये हाँ, ये ऐसा पीरियड है जिसमें ज्यादातर जॉब्स मतलब वैकेंट होती है, और वैकेंट नहीं होती तो नई वैकेंसीज निकलती है, नई नई डिमांड्स भी निकलती है कंपनीज में, और लोग जो है वो जाते हैं, इंटर होते हैं। तो आपके लिए नौकरी लगने का भी योग है, उन्नति का भी योग है, धन वृद्धि का भी योग है, प्रतिष्ठा वृद्धि का भी योग है, सम्मान वृद्धि का भी योग है, पैसे के बढ़ने का भी योग है, सफलता का योग है। ओवरऑल खास तौर पर ये नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन मतलब आप जो आपके कैरियर के बारे में जब हम बात करें तो उसके दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, बड़ा पॉजिटिव है, बड़ा लाभदायक है। हाँ, तो लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए। कर्क राशि वालों के लिए मैं ये कहूंगा बहुत स्मूथ टाइम जा सकता है, मेहनत करना है, पॉजिटिव रहना है, अच्छा अच्छा बड़ा सोचना है और सीखते रहना है। हाँ, बहुत अच्छा वक्त जाएगा, सफलताकारी वक्त जाएगा कर्क राशि। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग्य वृद्धि के योग है। हाँ जी, भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा इंक्रीज होगा, और ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा, आप जो भी करना चाहते हैं, जैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ पाएंगे। भाग्य वृद्धि का सीधा सा मतलब ये होता है कि आपको हर काम में या जो काम आप करना चाहें उसमें स्मूथ आपको फीलिंग आए, आसानी से काम हो, परेशानी के साथ काम ना हो, परेशानी आ रही थी तो खत्म हो जाए, इसी को भाग्य वृद्धि करते हैं। कई बार भाग्य वृद्धि का मतलब ये भी होता है कि आपको धकेला जाए। हाँ जी, जैसे हम नाव में बैठे हैं, मान के चले आप अकेले नाव में बैठे हैं, बहुत पतली सी नाव है, अकेले आप बैठे हुए हैं नाव में, और अच्छी सेफ नाव है, बहुत अच्छी, अब नदी का बहाव चल रहा है ना, तो किसी किसी को क्या होता है ना कि सबके लक्ष्य अलग अलग होते हैं, तो नदी ऐसी चल रही है, अब किसी का लक्ष्य हो सकता है पीछे हो, जरूरी नहीं कि हर किसी का लक्ष्य बस नदी के बहाव की दिशा में हो, किसी का लक्ष्य साइड में हो सकता है, किसी का लक्ष्य इस साइड में हो सकता है, आपका लक्ष्य सामने होगा, और या फिर ये कह सकते हैं आपका लक्ष्य जहां होगा नदी का बहाव वहां होगा, और नदी आपको, यदि आप चप्पू नहीं भी चलाएंगे तो नदी आपको जो है खुद ही धकेलते धकेलते आगे ले जाएगी। ऐसे ही लोग सफल होते हैं। हाँ, मेहनत करना पड़ती है, बहुत सारे लोगों को विपरीत दिशा में भी जाना पड़ता है, साइड में भी जाना पड़ता है, उसका बहाव बिल्कुल उन्हें सामने की ओर लेकर के जाता है, लेकिन मेहनत करके वो उधर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन परिश्रम ज्यादा लगता है ना, संघर्ष ज्यादा लगता है, आपको संघर्ष नहीं लगेगा। सिंह राशि वालों के लिए कह रहा हूं,
क्योंकि सिंह राशि खुद सूर्य देवता की राशि और सूर्य देवता खुद अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं, तो पॉजिटिव रहेगा, अच्छा समय है। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि विदेश जाने के योग बन सकते हैं या स्थानांतरण के योग बन सकते हैं, यात्राओं के योग भी बनते हुए मुझे नजर आते हैं। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ भी आपको मिलेगा, ऐसा मैं कह सकता हूं। खर्च ज्यादा हो ऐसे भी योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। देखिए खर्च पर संयम बरते, खर्च पर कंट्रोल करें, लेकिन कई बार खर्च करना जरूरी भी हो जाता है, जैसे मांगलिक कार्य मांगलिक प्रसंग भी हो सकता है। अब मांगलिक कार्य मांगलिक प्रसंग में खर्च हो सकता है, तो प्लानिंग बना ले पहले कि किस प्रकार से खर्च करना है और फिर उस प्लानिंग के साथ ही आप खर्च करें, है ना, या इन्वेस्ट करें, जैसा भी है। प्लानिंग बनाना आपके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होगा। बिना प्लानिंग के खर्चा करना लॉस, आगे चल के लॉस दे सकता है, ये एक बात कन्या राशि वालों के लिए मैं कहूंगा। हालांकि इस समय आपके आवक में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखती है, आपकी प्रतिष्ठा में सम्मान में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उस कार्य में भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती है, सारे कार्य आपके अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए कन्या राशि, कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि विवाह के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक हैं, तो आपका विवाह का योग बन जाए, या नए मित्र बने, नए दोस्त बने, ऐसा भी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखता है। प्रेम प्रसंग भी आपका बन सकता है, यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं आप जिन उद्देश्यों से कर रहे हैं उन उद्देश्यों को सफल करने वाली होंगी, आपकी यात्राएं सफल होंगी, आपके उद्देश्य सफल होंगे, तो यात्राएं कीजिए। कई बार होता है कि हमें कहीं जाना है लेकिन हम टालते रहते हैं, अभी मत टालिए, इस समय आप यात्रा कीजिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। किसी भी उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं आपको जरूर लाभ मिलेगा। उन्नति के योग है तुला राशि वालों के लिए, आगे बढ़ने के योग है, सफलता के योग है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको और ज्यादा किस्मत के द्वारा धकाया जाए, धकाने का मतलब मेरा यह है कि आपको और ज्यादा पुश किया जाए, आपको और ज्यादा सहायता मिले, और ज्यादा सहयोग मिले, ऐसा मुझे आपके लिए समय बनता हुआ नजर आता है। तुला राशि, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, जैसा मैंने अभी तुला राशि वालों के लिए कहा था, वृश्चिक राशि आपके लिए भी यही बात कह रहा हूं कि यात्राएं कीजिए। यदि आपने लंबे समय से कुछ टाल करके रखा था कि ठीक है जाएंगे, तो जाइए। वो देखो किसी भी तरह से हो सकता है, हो सकता है डॉक्टर को दिखाने जाना हो, कोई ऐसा शहर आपके शहर से 100 किलोमीटर 200 500 किलोमीटर दूर है, या वहां पर आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर को दिखाने जाना है, आप सोच रहे हैं कि ठीक है इस महीने जाएंगे, नहीं जाइए, आपको जाना चाहिए। आप सोच रहे हैं कि यार घूमने फिरने जाना है परिवार के साथ, जाइए। देखो स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, पैसा धन बहुत जरूरी है, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, लेकिन परिवार भी तो जरूरी है, रिश्ते भी तो जरूरी हैं। तो रिश्तों को पोषण कैसे मिलता है, जब आप परिवार के साथ कहीं समय बिताते हैं, बाहर घूमने फिरने जाते हैं, तो इससे समय मिलता है। परिवार के साथ जाना भी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, स्वास्थ्य, परिवार, पैसा, पढ़ाई, है ना, भौतिक तौर पर ये जो है प्रतिष्ठा, ये जो है यही आपको इंजॉय, यही आपको ताकतवर बनाने का काम करता है, यही आपको खुश रखने का काम करता है, यही आपको इंजॉयबल पर्सन बनाता है। हालांकि सफलता के योग भी है, वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा। और हाँ, शत्रु यदि कहीं परेशान कर रहे थे तो यहां पर वो परेशानी भी मुझे खत्म होती हुई नजर आती है। हाँ, तो ये बात भी आप याद रखिए, अच्छा समय है ये, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, जितनी मेहनत आप करेंगे उतना आपको फल भी मिलेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। हाँ, तो ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो करना चाह रहे हैं, आप जो बनना चाह रहे हैं, आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो सारी सोच, वो सारी प्लानिंग आपके लिए सटीक बैठे, सफल हो। तो ये वक्त आपकी प्लानिंग्स को सफल करेगा। देखो क्या होता है कि अपनी बुद्धि से अपने भाग्य के निर्माण का मतलब ये भी होता है कि आप कुछ सोचे, आप कुछ प्लान करें, आप अपनी योजना बनाए, उस योजना पर जब आप चले तो आपको वो चीज मिल जाए जो आप चाहते हैं या जो आप डिजायर्ड है, रिक्वायर्ड है। तो
यही तो बुद्धि से भाग्य का निर्माण हुआ ना। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इस समय प्लानिंग कीजिए, इस समय योजनाएं बनाइए, इस समय मेहनत कीजिए। जितनी मेहनत प्लानिंग योजनाएं आप बनाएंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। पॉजिटिव समय है, पॉजिटिव समय है, इस समय का फायदा उठाइए। अच्छा स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। देखो बुद्धि से भाग्य का निर्माण सही मायनों में स्टूडेंट्स करते हैं, याद करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, अच्छे अंक आते हैं, फिर उनको उस प्रकार की नौकरी लगती है या वो बिजनेस वो शुरू कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। तो हाँ स्टूडेंट्स के लिए वक्त बहुत अच्छा है। वैसे तो हम सभी के लिए, हर किसी के लिए वक्त बहुत अच्छा है। धनु राशि, धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हाँ हेल्थ कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकती है, स्वास्थ्य आपको तंग कर सकता है, छाती संबंधी समस्याएं आपको सता सकती है। ये एक मुझे नेगेटिव बात आपके साथ बनती हुई नजर आती है, छाती संबंधी समस्या आपको सताए। हाँ ये एक नेगेटिव बात है। अब यदि कहीं डायबिटीज है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है इत्यादि है तो भी आप अपना ध्यान रखिए। पहले से यदि डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन है तब भी आपको अपना ध्यान रखना है। और हाँ धन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। यदि कहीं कहीं आप निवेश करना चाहते हैं निवेश कर सकते हैं, उन निवेशों का आपको लाभ भी मिलेगा, ये भी एक बात है। और एक बात और ये मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है कि यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक हैं, तो आपका विवाह भी तय हो जाए, आपका विवाह भी हो जाए, विवाह तय हो जाए, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। हाँ तो पारिवारिक दृष्टिकोण से हो तो ये समय बहुत अच्छा है। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से हो तो भी ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, अपनी हेल्थ के दृष्टिकोण से आपको अपना ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हाँ विशेष तौर पर डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन ऐसी कोई बीमारी हो, छाती संबंधी बीमारी है तो आपको जरूर अपना ध्यान रखना है। हाँ चलिए मकर राशि, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ ज्यादा होगी। हाँ भाग दौड़ ज्यादा लगेगी, परिश्रम ज्यादा लगेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी, तनाव ज्यादा लगेगा, दबाव ज्यादा लगेगा। ये पीरियड आपको हो सकता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें उसमें प्रेशर दे, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको दबाव दे, है ना, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। लेकिन मेरा कहना आपसे यहाँ पर यह बनता है कि तनाव में दबाव में ना आए। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मेहनत करें, पॉजिटिव रहें, आपको लाभ भी मिलेगा। हाँ जी तनाव तनाव या दबाव में आप हैं आने की कोई जरूरत नहीं है, बस पॉजिटिव रहना है, मेहनत करना है, ये पीरियड आपको लाभ करवाएगा। हो सकता है तनाव दबाव में आए। देखो एक श्री रामचरित मानस की पंक्ति है, चिंता सापिनी को नहीं खाया, हाँ चिंता रूपी सापिन ने किसे नहीं खा लिया, ये श्री रामचरित मानस की पंक्ति है। हर किसी को चिंता होती है और हर किसी के समय में एक ऐसा दौर होता है, एक ऐसा हर किसी के जीवन में ऐसा समय आता है, और जीवन क्या कहूँ, हो सकता है हर दिन आता हो सकता है हर सप्ताह आता हो सकता है हर महीना आता हो, जब चिंता ज़्यादा सताती है, जब चिंता ज़्यादा होती है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको चिंता ज़्यादा ना होती हो। आपका कुंभ राशि वालों का ये पीरियड ऐसा हो सकता है कि जिसमें चिंताएँ ज़्यादा सताएं, जिसमें एंजाइटी जैसी स्थिति हो, लेकिन 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 उसका विपरीत भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि चिंताएं होंगी, प्रेशर होगा, तनाव होगा, दबाव होगा, लेकिन उससे आपको हानि नहीं होगी, आपको लाभ होगा। तो मेहनत ज्यादा कीजिए और पॉजिटिव रहिए कुंभ राशि वालों के लिए, केवल ये एक बात। हाँ कुंभ राशि के बाद में मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपकी वाणी को गलत तरह से लिया जाएगा। हाँ आप जो कह रहे हैं, आप जो बता रहे हैं, आप जो जता रहे हैं, उस बात को गलत लिया जाए, उस बात को गलत समझा जाए, ऐसी स्थिति हो सकती है। मतभेद आर्गुमेंट्स की स्थिति भी बन सकती है। अब ये आपके परिवार में हो सकता है, ये आपके आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पर आपके कॉलिग के साथ हो सकता है, आप बिजनेस करते हैं कॉम्पिटिटर्स के साथ हो सकता है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि धन, पैसे, इनकम, आय, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से कोई चिंता मुझे
नहीं दिखती है। तो आय के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, लेकिन लेकिन मतभेदों के दृष्टिकोण से, रिश्तों के दृष्टिकोण से, अपनों के दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय उतना अच्छा नहीं है। तो कहां बोलना चाहिए, कहां नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा आप समझिए इस बात को। और कहां, देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि वाद विवाद करना हमेशा गलत नहीं है। वाद विवाद तो हमारे सनातन संस्कृति का हिस्सा रहा है। श्री आदि शंकराचार्य जी, जिनकी वजह से हम खुद को सनातनी कह पाते हैं, उन्होंने भी वाद विवाद करके ही इस सनातन को और ज्यादा मजबूत किया, है ना। उसको शास्त्रार्थ कहते हैं, पांडित्य भाषा में शास्त्रार्थ कहा जाता है, लेकिन है तो एक प्रकार का वाद विवाद ना। तो वाद विवाद करना जरूरी है, बट किसके साथ हो रहा है? अपनी पत्नी से ही हो रहा है, अपने माता पिता से ही हो रहा है, अपने बच्चों से ही हो रहा है। अब ये एक गलत बात है। तो कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, आप खुद एनालिसिस कीजिए। कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, आप खुद एनालिसिस कीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये मीन राशि के बारे में बात की थी। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, आपको बताया कि आपके लिए ये सूर्य देवता का राशि परिवर्तन कैसा होगा, क्या क्या राशिफल होगा, क्या भविष्यफल होगा, मैंने आपको समझाया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई, ये वीडियो पसंद आया। यदि आपको ये बात समझ में आई, वीडियो पसंद आया, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।